तो भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के इस हमले को कांग्रेस ने थोड़ा ट्विस्ट दे दिया है और दावा किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के लिए जिस तरीके का भव्य कार्यक्रम कांग्रेस करना चाहती थी वो श्रीनगर के लाल चौक पर संभव नहीं है, इसलिए श्रीनगर के कांग्रेस दफ्तर में इस यात्रा का समापन कार्यक्रम होगा। 30 जनवरी को कांग्रेस क्या क्या करने वाली है, एक बार जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल को सुन लीजिए। हमारा पीसीसी ऑफिस लाल चौक में है और जब कांग्रेस के नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हमारे पीसीसी ऑफिस में तिरंगा नहीं फहराएंगे तो और कहां फहराएंगे, नॉट ओनली दैट वी नीड ए परमानेंट स्ट्रक्चर ऑन दिस प्लैक, फॉर दैट वी नीड ए लैंड ऑल्सो, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड इन द पीसीसी ऑफिस विच इज जयराम जी विच इज एक्चुअली इन द लाल चौक एरिया। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में श्रीनगर के लाल चौक की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये समझने के लिए उसके पीछे के कुछ ऐतिहासिक कारण जानने होंगे जो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके डिटेल में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबायलियों और वहाँ की सेना के हमले के कारण जम्मू कश्मीर का भारत में विलय तो कर दिया, लेकिन कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला इससे खुश नहीं थे। वो विरोध की चिंगारी को सुलगा सकते थे, जवाहरलाल नेहरू के शेख अब्दुल्ला से अच्छे रिश्ते थे, कश्मीरियों को ये भरोसा देने के लिए कि उनके अधिकारों की रक्षा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और श्रीनगर के लाल चौक पर उन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ कश्मीर के लोगों को संबोधित किया। इस संबोधन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कश्मीर के भविष्य का फैसला यहीं के लोग करेंगे, हमने ये वादा किया। राहुल गांधी आज जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए कश्मीर में हैं तो उनसे भी कई लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि वो लाल चौक से कश्मीर के लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। लाल चौक की चर्चा 90 के दशक में एक बार फिर तब हुई जब 1991 में बीजेपी ने कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की। 26 जनवरी 1992 को ये यात्रा श्रीनगर में खत्म हुई थी। तब मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर झंडा फहराया था। आतंकवादियों ने लाल चौक पर झंडा फहराने पर बीजेपी नेताओं को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी बीजेपी नेताओं ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया और करीब 15 मिनट तक वहां रुके थे। श्रीनगर का लाल चौक हमेशा से राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र रहा है। हालांकि लाल चौक अभी जैसा दिखता है, शुरुआती दिनों में वो वैसा नहीं था। लाल चौक का जो घंटाघर अब इसकी पहचान बन चुका है, उसका निर्माण 1979 में हुआ था। पहले यह मात्र एक चौराहे की तरह था, लेकिन घंटाघर के निर्माण के बाद इस जगह को एक नई पहचान मिल गई। लाल चौक को श्रीनगर का दिल भी कहा जाता है। 80 के दशक के बाद ज्यादातर समय लाल चौक पर सुरक्षा बलों का घेरा रहा। यहां पर कई बार छिटपुट आतंकी घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लाल चौक का घंटाघर तिरंगे वाली लाइट से अब चमकता रहता है।